आज की इस वीडियो में हम भगवान कृष्ण जी के कलयुग के अवतार यानी कि बाबा मोहन राम के बारे में व उनके मंदिर के बारे में जानेंगे। बाबा मोहन राम का इतिहास आज से 360 वर्ष पुराना है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। अब आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। बाबा मोहन राम कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के दूसरे अवतार हैं। बाबा मोहन राम एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्हें उनके भक्त, ऋषि, सतगुरु, फकीर और भगवान कृष्ण के रूप में मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा मोहन राम के पास चमत्कारी शक्ति हैं जिनका इस्तेमाल वो अपने भक्तों के कल्याण के लिए करते हैं। उनके सिर के चारों ओर एक सोने की अंगूठी है जिसमें सामने एक मोर का पंख लगा हुआ है, साथ ही में वह मोती व रुद्राक्ष से बनी माला पहनते हैं। बाबा मोहन राम नीले घोड़े पर सवार होते हैं, इसलिए उनको नीले घोड़े के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनका नीला घोड़ा भगवान शेषनाग का अवतार है जिसकी गति हवा से भी तेज है। बाबा मोहन राम का घोड़ा जब भी उनके किसी भक्त को मुसीबत में देखता है वह तुरंत ही उनके पास पहुँच जाता है। कुछ भक्तों का तो यह कहना है कि जब किसी भक्त को कोई मुसीबत होती है तो वह नंगे पांव दौड़ते हैं। बाबा मोहन राम को एक साधारण कपड़े पहने हुए साधु के रूप में दिखाया जाता है। बाबा मोहन राम को दिव्य ज्योति के रूप में भी पूजा जाता है जो चमत्कारियां शक्ति रखती हैं। बाबा मोहन राम का काली खोली मंदिर मिलकपुर गाँव में स्थित है जो कि राजस्थान के अलवर जिले के अंतर्गत आता है। यह दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बताया जाता है कि इस मंदिर का इतिहास 360 साल पुराना है। खोली वह जगह है जहां बाबा मोहन राम वास करते हैं। करीब 360 साल पहले लल्लू भगत को मोहन बाबा ने दर्शन दिए। बाबा मोहन राम ने लल्लू भगत को वचन दिया था कि वह मातृ की सभी समस्याओं में उनकी सेवा करें और उनके द्वारा कहे गए वचनों को पूरा करेंगे, साथ ही यह आशीर्वाद उनके वंशजों पर भी बना रहेगा। तो दोस्तों, यह था बाबा मोहन राम का इतिहास। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। धन्यवाद।